टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होते ही उलटफेर का दौर शुरू हो चुका है। टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे दो सफल टीम्स श्रीलंका और वेस्टइंडीज पर विश्व कप क्वालिफिकेशन से ही बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। पहले दिन जहां नामीबिया ने श्रीलंका को हराकर उलटफेर कर दिया, वहीं अगले ही दिन यानी सोमवार 17 अक्टूबर को वेस्टइंडीज को एक बड़े उलटफेर का शिकार होना पड़ा है। स्कॉटलैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज की टीम 42 रन से हार गई है। स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 160 रन बनाए, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम सिर्फ 118 रन पर ही सिमट गई। इस जीत के साथ ही स्कॉटलैंड ने कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। दरअसल स्कॉटलैंड ने पहली बार वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत हासिल की है। दोनों टीम्स पहली बार किसी भी टी20 इंटरनेशनल मैच में आमने सामने थी। रन के लिहाज से देखा जाए तो टी20 वर्ल्ड कप में किसी एसोसिएट नेशन द्वारा वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली ये सबसे बड़ी और ओवरऑल तीसरी सबसे बड़ी जीत है। स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कुल 160 रन बनाए, जो किसी एसोसिएट नेशन के द्वारा वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम था, जिन्होंने 2017 में 6 विकेट खोकर 146 रन बनाए थे। मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। मैच में जॉर्ज मुंशी और माइकल जोन्स ने स्कॉटलैंड को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर 6.2 ओवर्स में 55 रन जोड़ डाले। जोन्स 20 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मुंशी ने 66 रन की बेहतरीन पारी खेली। वहीं मैकलॉयड ने 23 और ग्रीव्स ने 16 रन बना टीम के स्कोर को 150 के पार पहुंचाया और 160 तक पहुंचाया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम निरंतर अंतराल पर विकेट खोती रही और पूरी की पूरी टीम महज 118 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। टीम के लिए जेसन होल्डर ने सबसे ज्यादा 38 रन की पारी खेली, वहीं काइल मार्स ने 20 रन बनाए। स्कॉटलैंड के स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर मार्क वॉट सबसे सफल बॉलर रहे। उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर में महज 12 रन खर्च कर वेस्टइंडीज के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटा दिया। इस हार के साथ ही वेस्टइंडीज के सुपर 12 में पहुंचने की राह भी मुश्किल हो चुकी है। टी20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी कवरेज आपको ललन टॉप स्पोर्ट्स पर मिलती रहेगी। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी रविराज ने। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत और कैमरे के पीछे जतिन है। ललन टॉप स्पोर्ट्स पर हम आपके लिए क्रिकेट और बाकी सारे स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी बड़ी खबरें लेकर आते रहते हैं। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर लीजिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए आपको सारे स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी। अभी इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।